वेलकम बैक टू माई चैनल शाइस्टर्स, मैं सैम। आज का वीडियो कुछ ऐसा है जिसमें मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दूंगी। तो मैंने सोचा कि चिट चैट और मैंने विद गेट रेडी विद मी, मैं तैयार होने जा रही हूँ। कहाँ वो हम बातों में सारी बताएंगे। आईब्रोज मैंने पहले कर लिए, बाल मैंने कुछ किए नहीं है। सूट पहना है, इट्स फ्रॉम प्रणाली फैशन। आई लव दिस वन, जस्ट लुक एट दिस। प्लेन दुपट्टा भी चौड़ा सा बॉर्डर है एंड उसके प्लाजो स्ट्रेट फिट, स्ट्रेट सा प्लाजो है नीचे तक, और उसमें भी यही सेम इतना ही काम है। एंड सो गुड। पीछे मैं लिंक दे दूंगी पेज का, जस्ट चेक आउट। एंड मैं आज कुछ अपने नए प्रोडक्ट्स एक्चुअली यूज करने जा रही हूँ। मैंने नायका समर पिंक सेल्स के लिए थे, आई एम रियली एक्साइटेड। लेकिन बहुत सारी चीजें पुरानी है ऑब्वियसली, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे स्किन को प्रेप, उसके लिए यूजिंग दिस। कुछ चीजें मैं नाम नहीं लूंगी, पर आप प्लीज चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या क्या यूज किया है। दिस इज हाइलुरोनिक सीरम। जो रिसेंटली मैंने ब्लॉग डाला था उस पर कुछ कमेंट्स आए थे, ये पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। मतलब मैंने कुछ ऐसे रैंडम नेगेटिव कमेंट्स नहीं सोच के कि जवाब देना है मुझे। ऐसा मन किया कि मैं कभी कभी कुछ सवाल आप लोग करते हो मैं वहाँ रिप्लाई नहीं देती, तो चलो गेट रेडी विद मी मैं दे देती हूँ, क्योंकि आपको ना गेट रेडी विद मी पसंद है। यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर, दिस इज लाइन फिलिंग वाटर क्रीम बाय रॉयल पैरिस। आई एम सो गुड यू गाइज, इट्स जस्ट सो गुड। जस्ट लुक एट द स्किन, दिस वाटर क्रीम इज जस्ट लाइक बहुत अच्छी है। कई बार हम ना ऐसे कुछ ब्रांड्स को इग्नोर कर देते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स को भी इग्नोर कर देते हैं, बट जब तक हम सारे नहीं ट्राई करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। एंड दैट्स इम्पॉसिबल कि हम सारे ट्राई करें। स्क्रीन, दिस इज वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन 120 मिनट्स तक, ये स्वेट प्रूफ है। वो हल्के को लगा लेंगे, डे टाइम में निकल रही हूँ। जी मैंने ब्लॉग डाला था फुल डे प्लानिंग एल्बम सॉन्ग समथिंग लाइक दैट वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, कुछ कमेंट्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चेरी M65999, मैं नाम के साथ बोलूंगी। कहा था वाओ शाय, शादी से पहले इतनी चुलबुली थी, बहुत प्यारी लगती थी, अभी सुलझी हुई और रिस्पॉन्सिबल लगती है, स्टिल वेरी क्यूट। मतलब उन्होंने दो सवाल और एक सवाल और एक जवाब भी दिया है। ये कंसीलर गाइस ले लो, बिकॉज दिस इज आई लव। मैंने बहुत लोगों के रिकमेंडेशन के बाद लिया था, अभी मेरे एक्ने उतने अच्छे से स्टॉप नहीं हुए हैं, पुराने एक या दो नए एक्ने आए हैं बस, उनको मैं सिर्फ कंसीलर यूज करी अपने फेस पे। शादी से पहले चुलबुली थी, ऑब्वियसली मैं थी, मैं आज भी हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं आज भी नहीं हूँ। अभी बस थोड़ी सी सुलझी हुई इसलिए क्योंकि यार शादी के बाद चेंजेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जब तक जिसकी शादी भी हुई होगी, हमारे यहाँ का जो कल्चर है ना वो यही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है सबके अपना अपना सोच है। इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है या उसे फोर्स कर दिया जाता है कि नहीं यू आर मैरिड नाउ, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, या फिर आपके खुद के दिमाग में ऐसा माइंड सेट हो जाता है जिससे बचपन से बोला जाता है ना कि लड़कियों को शादी करनी है, आपको दूसरे के घर जाना है। उसी तरीके से ऐसे कि आपको शादी के बाद आपको घर संभालना है, वो चीज़ आपके दिमाग में पहले से ही पुश करते चले जाते हैं। वो चीज़ आ जाती है कि यार एनी हाउ हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि हम इस घर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में आ जाती है एंड उलझी हुई रिस्पॉन्सिबल लगती है। तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। हर एक चीज़ जो है वो कैमरे पे नहीं दिखाई जाती है। शादी से पहले मैं बहुत अलग तरीके से ब्लॉग करती हूँ, शादी के बाद बहुत अलग तरीके से ब्लॉग करती हूँ, क्योंकि मेरी इंटर रिलीजन मैरिज है। बहुत सारी चीज़ें मुझे सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, दैट्स ऑल। बट थैंक यू सो मच, स्टिल वेरी क्यूट के लिए। प्रियांजल ने डाला है, बोला है आई थिंक आप लोगों को Q&A वीडियो डालना चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट योर लाइफ अपडेट, वाई नॉट। अच्छा पहले रुको, मैं करने वाली क्या थी, आई शैडो, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ऐसे कि मैं रेडी कहाँ होने जा रही थी। मैं यूज़ कर रही हूँ दिस पैलेट, आई रियली लाइक दिस पैलेट गाइज, दिस इज सो स्लीक, सो ब्यूटीफुल एंड द शेड्स आर सो गुड। लाइक आपको जो हाई एंड ब्रांड्स में शेड्स मिलते हैं वो शेड्स इसके अंदर है। स्टेज 9 to 9 आई शैडो। आई एम एक्चुअली गोइंग टू यूज दीज 2-3 शेड्स टू क्रिएट अ ब्राउन आई शैडो लुक। मैट कलर्स यूज कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे मैट लुक ही चाहिए डे टाइम के लिए, हमेशा शिमर में पहुँच जाती हूँ। तो यस यू आर राइट, हमें लाइफ अपडेट Q&A करना चाहिए, बट हम सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज करते हैं। मतलब क्यों, बहुत सारी पर्सनल लाइफ और पर्सनल मैटर्स मुझे लगता है सोशल मीडिया में आपको नहीं करने चाहिए। स्टिल यू आर ब्लॉगर, बट जब तक आपको लगता है कि चीज़ें आपके बस में हैं, मुझे नहीं लगता आपको आपकी पर्सनल लाइफ को उतना एक्सपोज करना चाहिए। मैं ब्लॉगर तो मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं करती हूँ, और क्योंकि मेरी लाइफ को प्राइवेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मतलब आप इस चीज़ से सहमत हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बहुत पर्सनल लाइफ को बहुत एक्सपोज कर देते जब चीजें खराब होती हैं। तो अपनी चीजों को आप बहुत अच्छे से बचा के रख सकते हो, बचाना चाहिए, बिकॉज जो भी लोग हैं बाहर जाए कोई भी, एवरीबॉडी विल लाफ एट यू, लाइक लिटरली वो हंसेंगे ही या फिर तमाशा बनाएंगे, दैट्स ऑल पीपल डू। मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए। बाकी Q&A में आप बहुत सारी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं, तो आप पूछ सकते हो। विल डेफिनेटली ट्राई वेरी सून।
एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड बिकॉज यू शुड ट्राई दिस पैलेट गाइस. ये बहुत सही एंड बहुत अफोर्डेबल पैलेट है, जस्ट 329 रुपीज. एंड यू नो व्हाट यू कैन यूज माय कोड shy2024 टू गेट एडिशनल 20% ऑफ स्टेज की वेबसाइट से जब लेते हो तो. दिस इज माय कोड एंड ये जरूर ट्राई करो, आप कुछ भी ले सकते हो. स्पेशली उनकी ट्राइंगल वाली लिपस्टिक ट्राई करो दिस आई शेडो, जस्ट क्योंकि ये आई शेडोज पिगमेंटेड बहुत हैं, अफोर्डेबल बहुत हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं. डे टाइम कॉलेज एवरी डे में आपको चाहिए ना कि लाइट कलर्स एंड मैट कलर्स मिल जाए. इसमें दो थ्री ओ माय गॉड इसमें फोर शिमो शेड्स हैं पेल गोल्ड, रोज गोल्ड, बर्गंडी एंड अगेन गोल्डी गोल्ड समथिंग. लतिका सिंघल ने बोला है शायद आज मैंने आपको देखा था आपके घर के वहीं कैप्सिकम खरीदते हुए, बहुत ब्यूटीफुल हो आप. थैंक यू सो मच. इट वॉज एम्बैरसिंग बट इट्स ओके, आई एम लाइक दैट. मैं कैमरे पे कुछ हूँ, रियल लाइफ में कुछ हूँ, मतलब यस आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन और मैं ऐसे रैंडम चीज़ें करती हूँ. लाइक यू नो आई डू थिंग्स कि सब्जी खरीद लेना, किसी भी लोकल मार्केट से चीज़ें खरीद लेना. ऐसे आप मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा बिकॉज यस मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ एंड ये सब होती है वहाँ पे चीज़ें. तो मैं कैप्सिकम खरीद रही थी क्योंकि मैं सॉर्टेड वेजिटेबल बनाने के लिए देख रही थी, फिर मैंने खीरा भी खरीदे थे एंड क्या बहुत सारी चीज़ें. ओके मायशा बिल्कुल अपनी नानी जैसी है, सेम फेस. सो वेरी वियर्ड, लाइक आई डोंट नो आपको कैसा लगता है बट मुझे मायशा बहुत मयंक की तरह दिखती है, तो मुझे तो नहीं लगता. सबका देखने का तरीका अलग होता है, तो मे बी जिसको दिखती हो. शायद जब मैं बूढ़ी होंगी तो मैं अपनी मम्मा की तरह दिखूंगी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने एक बार फेस फिल्टर लगाया था. बट वैसे मैं अपने पापा की तरह हूँ. मैंने अमेजोन से ये इलेक्ट्रिक कर्लर खरीदा था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है, तो मैंने सोचा कि यार लैशेस कर्ल करके मस्कारा लगाएंगे एंड मैं न्यू मस्कारा कर दूँ. पहले इसको हल्का सा हीट अप करना है, मैंने मैट के ऊपर हल्का सा शिमर लगा दिया. क्यों? क्योंकि मैं शिमर पर्सन हूँ इसलिए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है साइमा के बाल बढ़ते क्यों नहीं है, जब देखती हूँ उतने ही बड़े होते हैं जितने पहले. इस सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए यार. मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने बहुत कुछ किया है बाल बढ़ाने के लिए, लाइक बहुत कुछ किया है. प्रेगनेंसी के टाइम ही मेरे बाल सबसे ज्यादा लंबे थे, बट शायद यू नो आई डोंट नो, मतलब लोग यकीन करें ना करें हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती है, ट्रस्ट मी. शायद मुझे बहुत ज्यादा शौक था लंबे बालों का इसलिए मुझे ऊपर वाले ने लंबे बाल नहीं दिए. बट ओके मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है जिनके पास बाल ही नहीं है, लाइक लिटरली. मैं कुछ खास लोगों को बता रही हूँ, मेरे स्कूल में भी थी उनके पास बिल्कुल बाल नहीं थे. तो मैं कई बार ये सोच के बहुत थैंकफुल होती हूँ कि यार आई हैव वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट हेयर, बड़ा है वेरी ब्यूटीफुल स्मूथ सिल्की. लोगों के बाल छोटे हैं, कर्ली हैं, उनको नहीं पसंद, बहुत उलझते हैं, लाइक ऐसे ऐसे करते रहते हैं. बट लुक एट दिस, लुक एट माय हेयर. आई एम सुपर हैप्पी जब भी इनको स्टाइल करती हूँ, मेरे पर बहुत जचते हैं. तो वट एवर यू हैव जस्ट फील थैंक यू, क्योंकि लोगों के पास वो भी नहीं है. तो इसलिए हमेशा मैं ये खुद से सवाल करती हूँ, क्योंकि मेरे को जब भी लंबे बाल लोगों के दिखते हैं मेरे आसपास में, मम्मी के भी कुछ दिखते हैं, काश मेरे भी होते. ये सवाल मेरे पापा भी कहते हैं, बेटा कभी तेरे बाल ही नहीं बड़े. मैंने कहा सारी दुनिया जहाँ ही मैंने उसके अपना डाले, लेकिन थोड़े बहुत तो ग्रोथ हुए थे. ये वाले जो बाल थे इस साल आगे के बाल बढ़ते हैं और कहाँ जाके रुक जाते हैं या कहाँ जाके रुक जाते हैं आई डोंट. टाइमा के बाल एक बार टकली हो जाओ, मस्त गंजे बाल, घने बाल आएंगे. यूजर XZYN मतलब इट्स फेक, तो यू आर फेक एंड फेक का जवाब मुझे नहीं देना, तो ठीक है दैट्स ओके. दिस इज अ न्यू मस्कारा लॉरियल पैरिस पैरानोमा एंड मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा है अब इसके खरीद के. लोग कहेंगे क्यों, जस्ट बिकॉज आई गॉट दिस इन PR 6 days के अंदर ही मुझे इसका PR आ गया है. like, क्यों खरीदा 800 रुपये का मस्कारा जो मुझे, ठीक है अब मैं लगाऊंगी. बट दिस इज ब्यूटिफुल मस्कारा गाइस, लेट मी शो यू हाउ. है ना बहुत सुंदर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल मस्कारा. फॉर द ब्लश यूजिंग दिस वन कोको टिंट बेनिफिट्स, ये सेल पे आपको 1600-1650 तक का मिल रहा था. ये कलर बिल्कुल सूट कर रहा है मेरे सूट से. बेस्ट वे टू अप्लाई दिस वन इज थोड़ा सा लो इधर इधर ब्लश से ना जान आ जाती है चेहरे पे. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस डियोर हाईलाइटर बिकॉज ये बहुत अच्छा है, बट ये मुझे अपना आईका भी दिखता नहीं है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो जिस 10,000 तो मैंने ले लिया बिल्कुल हल्का सा बिकॉज मैं बहुत ही लाइट सा मेकअप कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन फाइनका, क्वीनी फाइनका. माइशा फेस शेप एंड आईज आर लाइक साइमा एंड कॉम्प्लेक्शन एंड लिप्स आर लाइक मयंक. लव यू शाय, लव यू टू, थैंक यू सो मच. यस शेप जो है वो मुझ पर ही है मयंक की, माइशा की. एंड आईज भी मुझे ऐसी लगती है क्योंकि मयंक आईज आर वेरी बिग. बट काफ़ी हद तक उसको काफ़ी सारी चीज़ें फेशियल एक्सप्रेशन लाइक ब्राउज इन ऑल लिप्स स्पेशली जब भी देखती हूँ वो मयंक पे है फॉर श्योर. मतलब उसमें कोई मुझे ऐसा दूसरी चीज़ सोचनी नहीं पड़ती. माय फेस
क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, ऑलमोस्ट कहीं की तो ऑलमोस्ट ही रेडी। लाइनर में स्किप कर रही हूँ। आई लव दिस पैलेट, यू शुड ट्राई दिस पैलेट। वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। शिमर देख लीजिए, मैं आपको लगा चलो आप लाइनर लेते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव टू ऑप्शंस, लाइक आई हैव थ्री ऑप्शंस, और यू कैन से हैव सो मेनी ऑप्शंस। आई हैव दिस डेयर डालिया लिपस्टिक, आई हैव दिस शार्लेट वन, एंड बट आई एम एक्चुअली गोइंग विद द न्यूड, तो मैं ये वाली लिपस्टिक अप्लाई करूँगी विद द लिप लाइनर। दिस लाइनर है मार्स का, ये वाला। अच्छा मैंने ये तो बताया है, जा पा रही हूँ गाइस, मैं जा रही हूँ मेरी बड़ी नंद आकांक्षा दीदी के घर, वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो हम उनके नए घर में जा रहे हैं, इनवाइटेड हैं उनके नए घर में। और जो मेरी देवर देवरानी थे यानी प्रियांशु पूजा, उनको आज दीदी ने खाने पे बुलाया है, जैसे नए जोड़े को बुलाया जाता है, तो दोनों चीज़ें होने वाली हैं, इसलिए हम साथ ही जा रहे हैं। एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल लिपस्टिक फ्रॉम कॉल मी डैडी, न्यूड ब्राउन ब्लर की लिपस्टिक है यार, इतना सुंदर न्यूड शेड है। Yes, I am set. I think this one is looking so good and I'm ready. Question pucha tha, I feel Khushbu attitude changes after she got baby boy. That's totally wrong. You guys have no idea Khushbu didi ne kya kya cheeze jheli hai. But meri shaadi ke time she was pregnant but unki ectopic pregnancy aur unhone apna bachcha khoya. Aur uske baad aap log aisa likh rahe ho. I don't know why. I don't know ki kya insaan फिर उसके बाद उन्होंने अपना बच्चा खोया। कई बार वो माशा को दे, मेरे जब मैं प्रेग्नेंट हुई या फिर जब मेरी बेबी, तो मुझे लगता था कि अगर मैं अभी प्रेग्नेंट होती, अच्छे से मेरा बेबी कैरी कर रही होती, तो मेरा बच्चा माशा से बड़ा होता। दैट इज़ ट्रू, बट अपना बच्चा खो रहा है और उसके बाद फिर उसको एक बच्चा मिला है 4 साल के बाद, एंड लाइक एटीट्यूड, दैट वॉज नॉट एटीट्यूड, दैट वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं उस चीज़। मुझे भी सच बताऊँ, जब वो चीज़ फील करती है, मदर वाली फीलिंग इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए। ठीक है, हम भाभी देव, भाभी नंद है, तो हमारी चीज़ें से थोड़ी बहुत होती रहती है, बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ फैमिली। तो मुझे नहीं लगता इतना नेगेटिव होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर। लेकिन मेरी फैमिली भी बहुत खुश है कि वो चाहती थी उनको एक बच्चा हो। सो हेयर इज़ अ वेरी प्रिटी प्रिटी कॉमेंट एंड आई एम सो हैप्पी। ईशा जैन ने बोला, आई थिंक नाउ थिंग्स आर फाइन इन द फैमिली, गुड टू सी अ हैप्पी फैमिली। कोई भी हैप्पी फैमिली नहीं होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबके घर में छोटी मोटी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन लिटरली बता रही हूँ, मैंने बहुत देख लिया, शादी से पहले भी देख लिया, शादी के बाद भी देख ली, अपनी फैमिली भी देख ली उसी में। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो रिजॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं रिजॉल्व नहीं होती हैं। या दैट्स ओके, मतलब हैप्पी फैमिली इज़ लाइक एडजस्टमेंट। Yes, what do you guys think? जिन जिन की भी शादी नहीं हुई है ना, बस उनको मैं बोल रही हूँ, प्रिपेयर होना चाहिए इंसान को, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज लाइफ बदलती है एंड मोस्टली जो चेंजेस हैं वो लड़की के साथ, लड़की को ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है 90%, 10% ऐसा इन लॉज को भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस परफ्यूम बाय लैंकम, इट्स जस्ट सो प्रिटी। तो ये वाला परफ्यूम तो आप ले सकते हो, नायका पिंक समर सेल तो चली गई, बट ये भी आप ले सकते हो, इट इज़ अयर बहुत अच्छा है। इसको मैं थोड़ा सा बालों में स्प्रे करूँगी एंड बालों को हम कल करेंगे। इसी से ज़्यादा बालों को कॉल कैसे करते हो वो मैं आपको बताऊँगी, बट सो आई हैव दिस ब्रश, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पहले बालों को स्ट्रेट करेंगे एंड देन फिर हम बात करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी डायसन का एयर रैप, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग, मेरे को डायसन से मैंने लिया है। मैंने डायसन का जो पूरा किट लिया था वो बहुत रेयरली यूज़ करती, स्पेशली उसका ड्रायर मैंने बहुत साल तक यूज़ किया। इसके अलावा मैं उसके बैल्स जो है कवर वाले यूज़ नहीं करती, चार्ज ऑन होता है। मैंने हीट प्रोटेक्शन लगा लिया था बालों में, सो बालों को ना हल्का सा नीचे ला के, आज मैं बिल्कुल बिल्कुल ही वॉल्यूम वाला नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, इस पर थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके बस मैं यही करूँगी। ओके, नेक्स्ट जो है कॉमेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जनरली रिस्पेक्ट माइन बिकॉज शी ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर शाय एंड डेफिनेटली शाय हैज ऑलवेज गिवन हर बेस्ट इन हर ससुराल, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी डिफरेंस इन द मैरिज शी मैनेज टू एडजस्ट इन द फैमिली एंड मस्ट से इट कुड हैपन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ माइन, बिकॉज इफ योर हस्बैंड इज सपोर्टिव देन यू कैन इजली एडजस्ट, लव यू बोथ सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। और द थिंग इज कि इंटर रिलीजन मैरिज करके आए किसके लिए हो, लाइक इसने क्यों दिया आपने, जस्ट बिकॉज अपने हस्बैंड के, अगर वो आपको नहीं दे रहा है वो चीज़ जिसके लिए आप इस घर में आए हो, वर्थ नहीं है शादी का। आई फील लाइक किसी भी शादी का, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट माई शादी, टॉकिंग अबाउट किसी भी शादी का, तो हस्बैंड का उसको हर वक्त सपोर्ट करना इज़ मस्ट, क्योंकि वो उसी के लिए इस घर में आई है। इसलिए मैं अपनी बालों को ना आगे से ऐसे ही करती हूँ, थोड़े थोड़े सेक्शन लेके करोगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे ऐसे, एंड देन जस्ट ट्विस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, यस माइन मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, बट माइन इज़ वेरी एग्रेसिव टू, तो उस एग्रेशन को झेलना भी बहुत मुश्किल चीज़ होती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू सो मच,
नेक्स्ट जो कमेंट है वो बड़ा अच्छा है, उसमें मेरे बारे में ही बोला गया है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, बुराई किसको अच्छी लगती है, किसी को भी नहीं लगती है, कम ऑन, दिस इज वेरी ट्रू। मतलब लोग सच्चाई को भी जानने के बाद इग्नोर कर देते, मुझे लगता है ठीक है क्या बोल सकते हो। तो कितनी अच्छी है साइमा, इतनी बड़ी यूट्यूबर होते हुए भी सारे घर का काम करती है, नहीं तो कुछ बोली कुछ नहीं होती, उस पर भी इतना एटीट्यूड दिखाती है जैसे बहुत बड़ी चीज हूँ, कौन काम नहीं करता घर का। साइमा वेरी डाउन टू अर्थ, थैंक यू सो मच, थैंक यू से ही बोलूंगी, थैंक यू सो मच। यस करती हूँ, बट सारे काम तो मेरे से भी नहीं हो सकते बिकॉज आई हैव दूसरा जॉब जो कि मेरा यूट्यूब का फुल टाइम जॉब है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले मैं 9, 9:30, 10 के बाद उठा करती थी, बट अब मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ बिकॉज मुझे मायशा का लंच बनाना है, उसको रेडी करने क्लास है। इतने ही बाल मैं ज़्यादा कर्ल नहीं कर रही हूँ, मेरे को पता है मैं 3 घंटे के सफर में दीदी के घर जाऊँगी और ये बाल मैं सो जाना है और ये हो जाना है। अपने क्वेश्चंस का आंसर देना इज इनफ, इससे ज़्यादा नहीं दे रही मैं। कैसा लगा आपको ये चिट चैट क्यू एंड ए वीडियो, आई होप अच्छा लगा हो, एंड दिस इज माई फाइनल लुक यू गाइज, ए सिंपल सा लुक। मैंने स्प्रे नहीं लगाया था, ये खोल जाना है फॉर श्योर, बट दिस लुक्स सो गुड ऑन मी, इसलिए मैं बोल रही थी ना छोटे बाल हैं पर खूबसूरत लगते हैं, वही मैटर करता है मेरे लिए। समर को गेट रेडी विद मी है तो मैंने बहुत ही लाइट रखने की कोशिश की है, आई होप आपको ये चिट चैट गेट रेडी विद मी एंड क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे। बहुत सारे नेगेटिव कॉमेंट्स थे, बहुत सारे हार्श भी थे तो जिनको मैंने पढ़ना जरूरी नहीं समझा, ठीक है उतनी जरूरत नहीं थी। सो अच्छा लगा हो वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मींस अ लॉट टू मी, और कल परसों शायद एक और गेट रेडी विद मी शूट करूंगी, कहीं स्पेशल जगह हम जा रहे हैं सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई थिंक अगर कॉमेंट देखना है आपको तो नीचे कॉमेंट कर देना, फिर कॉमेंट के आंसर्स भी दूंगी, उसमें थोड़ा इंटरेक्शन बन जाता है। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।